नाश्ते के अंदर बुफे हैं, बुफे में डिफरेंट किस्म की डिशेस हैं। मेरे ख्याल से कोई मोर देन 10 डिशेस हैं जो कि सारी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वन बाय वन सारे नाश्ते की डिशेस दिखाएंगे कि जैसे यूरोप और स्कॉटलैंड के जो बड़े बड़े होटल्स हैं उनकी एक किस्म की लुक इसको दी हुई है। काफ़ी ये अच्छा अंदर से बना हुआ है। आज का दिन हम अंदरून लाहौर जाएंगे जहाँ पे हम डिफरेंट किस्म के जो फूड स्ट्रीट्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। एक ऐसी फूड स्ट्रीट है तो अंदरून लाहौर जो कदीमी ज़माना से वो फूड स्ट्रीट चली आ रही हैं। 65 साल से इधर ही बैठे हो? ये गुलाब जामुन हो गए। उससे पहले कौन करता था? 1960 से। अच्छा, ये बाबा जी थे 1960 पहले ना। ये मैं पिक्चर आपको दिखाता हूँ, ये मैं भी टेस्ट करता हूँ। चार आ गया जी। यहाँ पे देखिएगा कि ये गरम गरम प्याला ये यहाँ से उठा रहा है और उठा के ये इसे अभी थोड़ा सा जाड़ रहा है, तो अब ये देखें उसी प्याले से ये चाय जो है वो ये है जी रूम। सुबह आपको यहाँ से बाहर का नज़ारा भी दिखाएंगे लेकिन अभी के लिए इतना ही है। दाऊद भाई हाथ हिला दें। ये है जी बाथरूम इनका। अच्छा जी, ये है शॉवर कैप, शेविंग किट, वैनिटी किट। कॉम्ब को निकालते हैं, कॉम्ब को देखते हैं कॉम्ब कैसी है। ये था जी आवारी होटल रूम का एक छोटा सा टूर जिसमें हम रात रहे हैं। और अब क्योंकि सुबह हो चुकी है, नाश्ते का टाइम है। नाश्ते के अंदर बुफे हैं, बुफे में डिफरेंट किस्म की डिशेस हैं। मेरे ख्याल से कोई मोर देन 10 डिशेस हैं जो कि सारी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वन बाय वन सारे नाश्ते की डिशेस दिखाएंगे। और ये नाश्ता जो है वो पैकेज के साथ होता है। जब आप रूम लेते हैं तो नाश्ता कंपलसरी है। एक किस्म का आप कह लें कि ये सस्ता नाश्ता कह लें इसको या फ्री नाश्ता कह लें। नाश्ते से पहले आपको अवारी होटल, जिसमें जब मैं आया हूँ तो मुझे जो है वो इसमें एक ऐसी एक मुझे लुक फील हुई है कि जैसे यूरोप और स्कॉटलैंड के जो बड़े बड़े होटल्स हैं उनकी एक किस्म की लुक इसको दी हुई है। काफ़ी ये अच्छा अंदर से बना हुआ है। तो चलें आपको इसके हसीन नज़ारे दिखाते हैं और उसके बाद चलते हैं जी नाश्ता करने के लिए। तो चलें फिर, लेट्स गो जी। लाइक का बटन जरूर प्रेस कर लें क्योंकि जब आप लाइक का बटन प्रेस करते हैं तो फिर हमारा मोटिवेशन का जो लेवल है वो और बढ़ जाता है और फिर हम ट्राई करते हैं कि इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें लेके आए आपके लिए। आवारी होटल लाहौर, सुबह 11 बजे का टाइम है। अच्छा जी, नाश्ते के बाद अगर हम आपके साथ अपना प्लान शेयर करें तो आज के दिन हम अंदरून लाहौर जाएंगे जहाँ पे हम डिफरेंट किस्म के जो फूड स्ट्रीट्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। हमने इसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट किया हुआ है। एक ऐसी फूड स्ट्रीट है अंदरून लाहौर जो कदीमी ज़माना से वो फूड स्ट्रीट चली आ रही हैं और वहाँ पे इस तरह से दिया कि जो लोग अभी वहाँ पे वो फूड स्ट्रीट में बैठे हुए हैं, जो वो फूड की डिशेज वगैरह बना रहे हैं बेच रहे हैं, उनके वो दादा परदादा बनाया करते थे और फिर उन्हीं बिजनेसेस को आके बच्चों ने हैंडल किया। और अब जो है वो बच्चे भी 70 70 80 80 साल 60 60 साल के हो चुके हैं लेकिन वो बिजनेसेस उसी तरह चल रहे हैं। इस तरह के जो फूड्स हैं वो आपको दिखाएंगे। और ये वाले फूड्स ऐसे भी हैं कि जिनको 70 साल 80 साल 60 साल 70 साल 80 साल इवन के 90 साल तक भी कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं कि जो चलते आ रहे हैं, आगे से उनकी नस्लें चला रही हैं। तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, इंशाल्लाह ताला आप इसको भी इंजॉय करेंगे। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं तो हमारे मोटिवेशन का लेवल जो है वो डबल हो जाता है और फिर हम ट्राई करते हैं कि इससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आएँ। अंदरून लाहौर फूड स्ट्रीट से फारिग होके हमने आज की एक और तीसरी फूड स्ट्रीट में जाना है जो कि अभी के लिए आपके लिए सरप्राइज़ है और वहाँ पे चल के उसके सारे सरप्राइजेज आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा नाज़रीन, अभी हमारी फर्स्ट मॉर्निंग है और
अभी हम नाश्ते के लिए जा रहे हैं। तो भाई रात को डिनर कैसा लगा? डिनर बहुत ज़बरदस्त था। और सब सही है? नींद अच्छी हुई है? बहुत ज़्यादा, नींद भी बहुत मज़े की रही। सही। अच्छा जी, हम आपको नाश्ते की सारी डिशेस दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम मेन डिशेस दिखाएंगे, जैसे चने हैं, अंडा करी और इस तरह की चीज़ें सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे फ्रूट सैलेड्स एंड सॉसेजेस, इसमें जितनी भी वैरायटी है वो अब हम आपको दिखाते हैं। ये है जी सीरियल, अगर आपने सीरियल के साथ अपना ब्रेकफास्ट करना है, मिल्क भी यहाँ पे अवेलेबल है और डिफरेंट किस्म के सीरियल के वैरायटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। मेन डिशेस के अंदर कुछ चाइनीज डिशेस भी हैं जो कि अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि यहाँ पे आपको लेट से अंडा अगर हाफ फ्राई चाहिए, ऑमलेट चाहिए या जैसे भी चाहिए, तो यहाँ पे आप बताएंगे तो वो आपको फौरन से फ्रेश बना के देंगे, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। अब हम आपको दिखाते हैं, ये हैं जी बेकरी के आइटम्स। यहाँ से आप बेकरी के आइटम्स नाश्ते के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके साथ में जो है स्प्रेड्स ले सकते हैं आप, जैसे हनी हो गया और उसके बाद चॉकलेट का स्प्रेड है और जैम आप ब्रेड पे लगा सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेयर जी। ये कितने अर्से से कर रहे हैं? 65 साल। ये क्या क्या है आपके पास? पैंसठ साल से इधर ही बैठे हो? सही। ये क्या चीज है? दाल का हलवा। सही है। और ये क्या है? ये रसमलाई, ये गुलाब जामुन। ये गुलाब जामुन हो गए। और ये क्या है? गाजर का हलवा। अच्छा, ये देसी घी से बनता है। और ये? ये बर्फी। बर्फी। ये देसी घी से बनता है? सही सही सही। चलो सही है, थैंक यू जी। नाज
हैं कि यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई बाबा जी की कुल्फी बड़ी मशहूर है, तो हम उसे ढूंढ रहे हैं, जब मिलेगी तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। तो अभी चलें, कहते हैं कि ये थोड़ी सी आगे है लेकिन काफ़ी मशहूर, काफ़ी टेस्टी है, तो चलते हैं। दाऊ पे चलें, ये बाबा जी की कुल्फी किधर है? नाज़रीन, ये बाबा कुल्फी वाले काफ़ी मशहूर हैं यहाँ पे, तो इनका दिखाते हैं कि ये कुल्फी कैसी है। ये है जी बाबा कुल्फी, ये देखें जी बाबा कुल्फी, ये कुल्फी है। ये आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? 60 साल। उससे पहले कौन करता था? 1960 से। अच्छा, तो उससे पहले आपके वालिद साहब करते थे? अच्छा, ये बाबा जी जी थे 1960 पहले। नाज़रीन, ये वाले बाबा जी थे, ये मैं पिक्चर आपको दिखाता हूँ, ये वाले 1960 से करते थे। ये वालिद साहब हैं आपके? बुजुर्ग थे। अच्छा, ठीक है। ये जी, तो उस वक्त से ये वाली जगह इधर यही जगह होती थी? अच्छा, सही है। अभी और जगह में भी गए हैं? पर मेन है अभी अच्छा, सही है। तो बोलेंगे सर, ये पैक करके देते हैं, आपकी ब्रांडिंग की हुई है इन्होंने। ये सर्दियों में बिकती रहती है। दाऊद कैसी है? बहुत जबरदस्त, जो तारीफ सुनी है उसके बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी, ये मैं भी टेस्ट करता हूँ। बहुत टेस्टी है, ज़बरदस्त टेस्ट है इसका, माशाल्लाह। बाबा जी की कुल्फी वाकई में बाबा जी की कुल्फी है, 1960 से। वाकई में पता लगता है कि वाकई में 1960 से ये ब्रांड है। चलो जी, ये हम अंदरून लाहौर एक जगह में हैं और यहाँ पे नुशाही दाल चावल है और वो हम ट्राई करने लगे, देखते हैं कैसे हैं। नाज़रीन, लास्ट हमारा जो ट्रिप हुआ था उसमें हम चाय कवाली और चाय दोस्ती पे आए थे, अभी हम थोड़ा खेल चाय पे आए हैं। मज़ा देखिए किस तरह का माहौल है, आप देख सकते हैं, आग जल रही है, सब लोग बैठे हुए हैं, दोस्ती पे आए हैं। अच्छा, ये चाय के जो कप्स हैं ये मिट्टी की कप आग के करीब में रखते हैं ताकि ये रिपेयर हो जाए और इसके अंदर हम अंदर पर चाय रख सकते हैं। Yeah.
अच्छा नाजिम यहाँ पे देखिएगा कि ये गरम गरम प्याला ये यहाँ से उठा रहा है और उठा के ये इसे अभी थोड़ा सा जार रहा है, तो अब ये देखिए उसी प्याले से ये चाय जो है वो डाल रहा है, दूसरे कप्स में चाय सर्व कर रहा है उसी से। इससे फ़र्क ये पड़ जाता है कि ये प्याला बहुत ज़्यादा गर्म होता है, टेस्ट जो है वो आग का टेस्ट इसके अंदर आता है और चाय का टेस्ट दोबाला हो जाता है इससे। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। मुझे बताना करना कि जगह अच्छी है कि नहीं अच्छी है। जबरदस्त है जी, 100 में से 100 नंबर है इसके। हाँ जी, एक काम लेके आए सात हो रही थी, एक काम हो गई है, एक चाय और एक फिक्र। टूर की आखिरी बात करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको मिलते हैं बड़े बड़े सरप्राइज के साथ। तब तक अपना और आपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि जब आप लाइक का बटन प्रेस करते हैं तो फिर हमारा मोटिवेशन का जो लेवल है वो और बढ़ जाता है और फिर हम ट्राई करते हैं कि इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें लेके आएँ आपके लिए। तो नाज़रीन, होपफुली आपने इस जर्नी, इस टूर, इस वीलॉग को पसंद किया होगा। नेक्स्ट वीलॉग तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।